संजय लीला भंसाली और दीपिका पादुकोण के बीच चल रही कोल्ड वॉर क्या खत्म हुई है या फिर अभी भी जारी है, क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताती हूँ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फीफा फूज। बॉलीवुड इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर एक्टर डिओ की अगर मैं बात करूँ तो उसमें दीपिका पादुकोण और संजय लीला भंसाली आते हैं और इन दोनों ने बैक टू बैक 3 फिल्में सुपर डुपर हिट दी थी। पहले तो रामलीला, बाजीराव मस्तानी और पद्मावत, फिर अनाउंसमेंट होती है गंगूबाई खाटियावाड़ी की और सभी यही सोचते हैं कि इसमें तो फॉर श्योर दीपिका पादुकोण ही होंगी। लेकिन फिर आलिया भट्ट का नाम आता है सामने, जिसके बाद सभी के साथ साथ दीपिका पादुकोण भी शॉक में हो जाती हैं और इसके बाद दोनों के बीच में, संजय लीला भंसाली और दीपिका पादुकोण के बीच में एक जो कोल्ड वॉर की शुरुआत है वहीं से शुरू हो जाती है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि दीपिका पादुकोण एक फिल्म लेकर आई है, मतलब फिल्म का अनाउंसमेंट किया है द्रौपदी, और वो चाहती है, क्योंकि इस फिल्म को लेकर अभी तक डायरेक्टर फाइनलाइज नहीं हुआ है, वो चाहती है कि संजय लीला भंसाली ही इस फिल्म को डायरेक्ट करे, क्योंकि हम सभी जानते हैं संजय लीला भंसाली की जो डायरेक्शन है वो किस तरीके से है। तो इस पे जो क्लोज सोर्स है, इस पर क्लोज सोर्स ने खुलासा किया है, क्या कुछ बातें कही है क्लोज सोर्स ने, चलिए आपको बताती हूँ। बोला है कि इन दोनों का जो बॉन्ड है वो एक मेंटोर की तरह है, जो दीपिका पादुकोण है वो मेंटोर की तरह मानती हैं संजय लीला भंसाली को, और इन दोनों ने कई सारी अच्छी अच्छी फिल्में दी हैं और अब एक और एम्बिशियस एपिक फिल्म आ रही है जो कि हम सब जानते हैं इंडियन हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करेगी, माइथोलॉजी को रिप्रेजेंट करेगी, और इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए दीपिका पादुकोण चाहती हैं कि संजय लीला भंसाली ऑन बोर्ड आए, लेकिन वो ऑन बोर्ड नहीं आए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी, संजय लीला भंसाली ने मना कर दिया है, इस बहुत ही पोलाइट वे में उन्होंने इस फिल्म का ऑफर को मतलब रिफ्यूज़ किया है, और फिर अपने क्योंकि वो अभी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर ध्यान देना चाहते हैं जो कि है गंगूबाई काठियावाड़ी और बैजू बावरा, ये दो फिल्मों पे वो ध्यान देना चाहते हैं, जिसके वजह से उन्होंने इस फिल्म जो द्रौपदी है उसको डायरेक्ट करने से मना कर दिया है। फिर मैं आपको बताना चाहूँगी आगे भी इन सारी चीज़ों पर कोल्ड वॉर उनकी कैसे कैसे बढ़ती गई। फिर जिसपे जो हमारी दीपिका हैं, दीपिका पादुकोण ने भी एक स्पेशल सॉन्ग था आलिया भट्ट की फिल्म में, तो वो करने से मना कर दिया था, और हीरा मंडी में भी जो वेब सीरीज़ है वो भी करने से मना कर दिया था, उसका हिस्सा बनने से मना कर दिया था, जो कि इनका कोल्ड वॉर जो है वो बढ़ता गया। पर अब क्लोज सोर्स ने उनके कोल्ड वॉर ख़त्म होने पर कहा है कि ये दोनों अपने अपने काम को लेकर बिजी हैं और शायद इसी वजह से इन दोनों के बीच में ये दरार आई है, लेकिन ज़रूर ऐसा एक दिन आएगा जब दोनों एक कोलैबोरेशन के साथ आएंगे और उनका उस कोलैबोरेशन से जो कोल्ड वॉर है वो ख़त्म हो जाएगी। और क्योंकि आपको पता नहीं, क्या पता शायद बैजू बावरा में हमें नज़र आ सकती हैं इस फिल्म के लिए, दोनों साथ आ सकते हैं, क्योंकि अभी तो फिलहाल गंगूबाई खाटियावाड़ी में अपना जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है संजय लीला भंसाली का, उस पर वो ध्यान दे रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं, आपको क्या लगता है कि दोनों को अपनी जो कोल्ड वॉर है वो ख़त्म करके एक साथ फिर से आना चाहिए, क्योंकि रामलीला, पद्मावत, बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्म हमें एक बार फिर से देखनी है। तो बता दीजिए आप सबका रिएक्शन कमेंट सेक्शन में, और देखते रहिए फीफा फूज इसी तरीके की खबरों के लिए।